ऑस्ट्रेलिया ने छठी बार आलमी क्रिकेट कप अपने नाम कर लिया। 241 रन का हदफ 43वें ओवर में हासिल किया। टूर्नामेंट में नाकाबले शिकस्त रहने वाले भारतीय सुरमाओं ने हार का मजा चख लिया। ऑस्ट्रेलवी खिलाड़ियों का वर्ल्ड कप ट्रॉफी के साथ भरपूर जश्न। ऑस्ट्रेलवी खिलाड़ी ट्रेविस हेड शानदार सेंचुरी पर मैन ऑफ द मैच करार पाए। विराट कोहली को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड दे दिया गया। वर्ल्ड कप फाइनल में फलस्तीन की हिमायत में आवाज बुलंद। मैच के दौरान फ्री फलस्तीन की शर्ट पहनकर शख्स ग्राउंड में घुस आया। नौजवान भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली तक पहुंच गया। ग्राउंड इंतजामिया नौजवान को पकड़कर ग्राउंड से बाहर ले गई। मैच को कुछ देर के लिए रोकना पड़ा। आसिफ अली जरदारी का इलेक्शन कमीशन पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। कहा, सियासी माहौल साजगार, मुल्क शफाफ इंतखाबात की तरफ जा रहा है। इलेक्शन कमीशन पर पूरा एतमाद है, वो शफाफ इलेक्शन करवाएगा। साबिक सदर ने आम इंतखाबात बरवक्त करवाने का मुतालबा कर दिया। बोले, पीपल्स पार्टी पूरी तरह से तैयार है, हर माहौल में इलेक्शन लड़ने की सलाहियत रखते हैं। यकीन है 8 फरवरी को पीपी अक्सरियती पार्टी बनकर सामने आएगी। इसराइल इंसानी तारीख के बदतरीन मसालिम ढाने लगा। इसराइली फौज ने अल शिफा अस्पताल को जबरी खाली करा लिया। बंदूक की नोक पर तिबी अमला और मरीजों का इनखला। हजारों जख्मी और बेघर जनूब की तरफ जाने पर मजबूर। शिफा खाने के मुख्तलिफ वार्ड्स मुकम्मल तबाह। अस्पताल के बाहर दर्दनाक मनासिर। सड़कों पर दर्जनों लाशें बिखरी पड़ी। जिस्म नोचते परिंदों ने नस्ल कुशी का मंजर दिखा दिया। हमास के मुताबिक अस्पताल में 100 से ज़ायद मरीज मौजूद हैं। काबिज फौज ने तिब्बी अमले के 5 अफराद को यरखमाल बना दिया। पाकिस्तान पर इसराइल को असलहा फराहम करने का घिनौना इल्जाम, हकीकत आश्कार। सोशल मीडिया पर जारी प्रोपोगंडे की हकीकत सामने आ गई। शर पसंद अनासिर मजमूम सियासी मकासद के लिए प्रोपोगंडे का सहारा ले रहे हैं। मनघड़त कहानी को भारतीय मीडिया ने खबर बनाकर पेश किया। मनघड़त कहानी में जहाज पर इसराइल के लिए असलहा ले जाने का तासुर दिया गया। अमरीकी इत्तेहाद की जानिब से इसराइली बर्बरियत की हिमायत। इस्लामी ममालिक की निगाहें चीन पर जमने लगी। मुस्लिम ममालिक के वुज़रा पीर को चीन का दौरा करेंगे। सऊदी वजीर खारिजा ने प्लान बता दिया। चीन के बाद वुज़रा दूसरे ममालिक भी जाएंगे। शहजादा फैसल बिन फरहान ने कहा, जंग बंदी की जरूरत पर खातिर खत तवज्जो नहीं दी जा रही। हमारी तरजीह गजा के लोगों के मसाइब का खात्मा है। अमरीका ने फलस्तीनी अथॉरिटी की क़यादत तब्दील करने की ख्वाहिश जाहिर कर दी। बाइडन ने दो रियासती हल की हिमायत में मजमून लिख डाला। लिखा, गजा और मगरबी किनारे को नए सिरे से एक अथॉरिटी के मातहत होना चाहिए। गजा से फलस्तीनियों का जबरी इनखला नहीं होना चाहिए। अमरीकी सदर ने जंगबंदी का मुतालबा फिर मुस्तरद कर दिया। अमरीकी सदर की ख्वाहिश से सदर महमूद अब्बास का सियासी मुस्तकबिल दाव पर लगने का खदशा। इसराइली जारहियत के खिलाफ दुनिया भर में एहतजाज। जर्मनी और फ्रांस में हजारों अफराद सड़कों पर निकल आए। इटली का मारूफ पीसा टावर इसराइल मुखालिफ नारों से गूंज उठा। चिली के सदारती महल के सामने शोहदा के जूते रख दिए गए। यमन में हजारों मुजाहिरीन सड़कों पर निकले। इलेक्शन से पहले तहरीक इंसाफ के लिए एक और बड़ा झटका। कप्तान का एक और बड़ा खिलाड़ी साथ छोड़ गया। साबिक वफाकी वजीर अली नवाज अवान इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल। अली नवाज अवान की लाहौर में जहांगीर तरीन और अलीम खान से मुलाकात। मुलाकात में ओन चौधरी भी शरीक हुए। अली नवाज अवान ने जहांगीर तरीन की क्यादत पर एतमाद का इजहार किया। गवाहान की फेरिस्त लगाकर उन्होंने अदालतों में कहा कि हमें डीजी नैब लाहौर
और चेयरमैन नैब हमें हैरास करता था, हमारी फैमिलीज को नुकसान पहुंचाने की धमकियां देते थे और हमें हैरास करके गवाहियां लेते थे। काजी मनी लॉन्ड्रिंग कर दी है, ऑफशोर कंपनियां बना ली हैं, फॉरेन एसेट्स खरीद लिए, किधर गए? एक रुपए की भी रिकवरी नैब ने की? एक रुपए की भी किसी जगह के ऊपर कोई करप्शन साबित हो गई? किधर है वो चेहरे जो वजीर आजम हाउस में बैठकर लोगों की फैमिलीज के ऊपर को तजहीक, उनकी बेइज्जती, उनकी पगड़ियां उछालने के लिए प्लानिंग करते थे, झूठे केसेस बनाते थे, झूठी इंफॉर्मेशन देते थे? किधर है वो चेहरे? क्यों नहीं बैठे हुए आज वो सामने अवाम के? नून लीग को माजी में इंतकाम का निशाना बनाया गया, चेयरमैन पीटीए को तरक्की करते पाकिस्तान पर मुसल्लत किया गया। साबिक विफाकी वजीर मरियम औरंगजेब की कड़ी तनकीद, न्यूज कॉन्फ्रेंस में बोली सियासी इंजीनियरिंग करके शहबाज शरीफ को जेल भेजा गया, नवाज शरीफ को बेटे से तनख्वाह ना लेने पर ताहयात नाअहल किया गया, 5-6 साल निजामे इंसाफ और अपोजिशन के साथ खिलवाड़ किया गया, 2018 में आरटीएस सिस्टम बिठाया गया, खमियासा आवाम ने भुगता। आम इंतखाबात के लिए पीपल्स पार्टी की तैयारियां जारी, बिलावल भुट्टो का लाड़काना के कौमी असेंबली के 2 हलकों से इलेक्शन लड़ने का इम्कान। आसिफ जरदारी आबाई हल्के नवाबशाह से इलेक्शन में हिस्सा लेंगे, आसिफा भुट्टो किम्बर शहदादकोट से कौमी असेंबली का इलेक्शन लड़ेंगी, फरियाल तालपुर शहदादकोट से इंतखाबी मैदान में उतरेंगी। पंजाब की फजा में स्मोक का जहर बरकरार, बाघों के शहर की आलूदगी से जान न छूटी, सूबाई दारुल हुकूमत में एयर क्वालिटी आज भी बदतरीन, शहर में 339 तक रिकॉर्ड आलूदा जरात खतरनाक हद तक मौजूद, शहरियों का सांस लेना दुश्वार, तिबी माहिरीन ने मास्क का इस्तेमाल लाजमी करार दे दिया। अमरीकी असलहा कालदम टीटीपी के हाथ कैसे लगा, अमरीकी हाउस कमेटी बराए खारजा उमूर के बड़े इंकशाफात, कमेटी चेयरमैन के मुताबिक अमारत इस्लामिया टीटीपी को पाकिस्तान के खिलाफ मुसल्ला करने में मदद फराहम कर रही है, पेंटागन हुकाम के मुताबिक अमरीकी इनखला के बाद हथियार पाकिस्तान मुखालिफ गरोहों के हाथ लग गए, हथियारों ने टीटीपी और बलोच अलहदगी पसंद गरोहों को मजबूत किया, अमारत इस्लामिया के मुताबिक कमांडर्स ने हथियार रजामंदी से भी दिए, असलहे में जदीद तरीन स्नाइपर राइफल भी शामिल हैं। '71 की पाक भारत जंग, मेजर अनीस अहमद खान शहीद ने बहादुरी की दास्तान रकम की, शहीद ने मुक्तिबानी के खिलाफ इंतहाई मुश्किल ऑपरेशन में हिस्सा लिया, मेजर अनीस को जजीरा नमा इलाके मुक्तिबानी को खत्म करने का टास्क मिला, शदीद मजाहमत के बावजूद मेजर अनीस मरकजी पोजीशन तक पहुंच गए, दुश्मन ने चारों तरफ से घेर कर हथियार डालने का मुतालबा किया, शहीद ने हथियार डालने की बजाय खून के आखिरी कतरे तक लड़ने को तरजीह दी। भारत में वर्ल्ड कप मुतनाज़े तरीन बन गया, इवेंट आगाज से इख्तिताम तक तजादात का शिकार रहा, फाइनल मैच से कबल पिच पर एतराजात सामने आ गए, ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पिच की सूरत हाल देखकर बरहम हो गए, मुआयने के दौरान पैट कमिंस की ग्राउंड स्टाफ से तकरार, ऑस्ट्रेलियाई कप्तान ने पिच के मखसूस हिस्सों की तस्वीर भी बनाई।